Hey guys, welcome back to my channel. Here's another video. Today I'm gonna make something very cute with this clay, and this is very common thing. You can find it very easily from any store, any stationery shop. So let's begin the video. इस सिंपल से DIY के लिए आपको करना क्या है, मार्केट से प्रोडक्ट उठाना है। इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, उन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे से। आप टैल्कम पाउडर की हेल्प ले सकते हैं और उससे ये बेटर एक डो की फॉर्म में रेडी होगा। कोई भी पाउडर आप उठाइए जस्ट एंड उसको मिक्स कीजिए एंड आटे के जैसा डो को रेडी कर लीजिए। जब ये अच्छे से एक डो एक सॉलिड डो बन जाएगा देन यू आर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं, आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है उस डो में से और टैल्कम पाउडर की हेल्प के साथ आप इसको एक लंबा सा चेन के जैसा बना सकते हैं। थिक थ्रेड थिकनेस आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े साइज में चाहिए या छोटे साइज में चाहिए। तो मैं इसको जस्ट ऐसे थ्रेड के जैसा बना दूंगी और आप इसको ऐसे रोल रोल करेंगे तो ये साइज में अपने आप बड़ा होता चला जाएगा। और अब इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, जस्ट एक यू शेप देना, जो आपने चेन बनाया था उसके साथ यू शेप बनाते जाना, जॉइंट करते चले जाना है और एक्स्ट्रा को आप ऐसे कट कर देंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एंड देन आपको जितना बड़ा ये बनाना है उतना आप बड़ा बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं एक छोटा सा बना रही हूँ बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ माय फर्स्ट एवर अ क्ले आर्ट, दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस मच स्मॉलर। सो या यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड योर नीड। सो नाउ आई एम गोना कट ऑल द एक्स्ट्रा एजेस लाइक दिस टू गिव इट अ परफेक्ट लुक, अ परफेक्ट शेप। तो अब हम इसको कुछ ही घंटों के लिए सूखने के लिए रख देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको धूप में रखना है, छाया में, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, ये अपने आप एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइज दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राइड नाउ एज यू कैन सी। और अब हम हैं फाइनल स्टेप में जो कि है मेरा फेवरेट, आई होप आपका भी फेवरेट होगा क्योंकि कलरिंग करना भाई किसको पसंद नहीं है। सो फॉर कलरिंग इट आई एम गोना यूज़ मिक्स ऑफ लिक्विड पेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट्स। So first of all this chalk paint, and I hope it will work because it's a clay, and on clay I'm doing this such things for the very first time. So I'm hoping this will give a full coverage, but मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि इसके नीचे white paint primer नहीं मैंने use किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था already ये white है तो, but I was wrong at this क्योंकि वाइट पेंट मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मेरे को लग रहा है अब मुझे 2-3 कोटिंग्स एटलीस्ट मुझे देनी ही पड़ेंगी फॉर द बेटर कवरेज। सो या एक्चुअली इट सीम्स सो ईजी, बट साइड में आप जब कलर करते हैं तो साइड में इतना लीक होता है, बार बार लग जाता है तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है ये। बेटर एडवाइस, इन सब स्टिक्स को अलग अलग कर लीजिए, मतलब जितनी भी यू बनाई है शेप्स को सबको अलग अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद बहुत आपका टाइम बच जाएगा, आपको फ्रीली होके आप पेंट कर सकते हैं, आपको बार बार एजेस को क्लीन नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही नीट वर्क भी होगा। नेक्स्ट जो पेंट है, मैं कोई चॉक पेंट यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये ट्यूब पेंट मेरे पास पड़ा था क्योंकि चॉक पेंट में सारी शेड्स अवेलेबल नहीं है और वाइट पेंट मेरे पास नहीं है कि मैं मिक्स एंड मैच मिक्स करके शेड बनाऊँ, तो इसलिए आई एम गोना यूज़ दिस। तो ये मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है ये शेड के लिए, ये उतनी अच्छी कवरेज भी नहीं दे पा रहा है बिकॉज इट्स ड्राइड ऑलरेडी आई गेस। येलो द सेम ट्यूब कलर, और मेरे पास येलो भी नहीं है चॉक पेंट में, तो यस दिस इज़ ऑल डन। सो नेक्स्ट वन इज़ दिस ऑरेंज एक्रीलिक पेंट, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, सब शेड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है चॉक में, तो यू कैन टेक आइडियाज़ which one give the best coverage or best result. This one also good, but मुझे 2-3 shades लगा इसको भी अच्छी coverage देने के लिए, तो yes this is also best. Next one is chalk paint, ये मेरे पास available था with this shade, तो ये बहुत ज़्यादा thin था तो मुझे डर था मैं क्या करूँ, मतलब 3 coating के बाद भी मुझे उतना अच्छा result नहीं मिला, बहुत ज़्यादा liquid watery में था, बट इट्स ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल बनता जा रहा है तो बहुत ही वर्थफुल है मेरे लिए, टाइम कंज्यूमिंग नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स थ्रू दिस वीडियो, यू आर ऑल्सो लर्निंग सो मैनी न्यू थिंग्स, मिस्टेक्स जो मैंने की है उसके साथ आप लर्न कर सकते हैं एंड येस यू कैन मेक इट मच बेटर।
यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स. ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द फिनिशिंग. इट टेक्स टाइम बट इट्स ऑल वर्थफुल. जो चॉक पेंट है वो थोड़ा शाइनी ग्लॉसी है, एंड जो मैंने ट्यूब्स वाला पेंट यूज़ किया है वो थोड़ा सा यू नो ड्राइड स्टिकी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून विद द नेक्स्ट हैक फॉर DIY. आई थिंक वी ऑल नीड अ ब्रेक. आई मीन आई नीड सम प्रिंगल्स. आई थिंक यू सो. बाय.